चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। 20 वोल्ट एसी अप्लाइड टू अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ रेजिस्टेंस एंड अ कॉइल विद नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 12 वोल्ट, द वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल। देखो रेजिस्टर लगा हुआ है सर्किट में, दो चीजें हैं, एक सर्किट में रेजिस्टर लगा हुआ है और साथ में इंडक्टर लगा हुआ है और एसी का सोर्स है, ठीक है, रेजिस्टर इंडक्टर। तो क्या कह रहा है, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है, एसी सोर्स से जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है वो 20 वोल्ट है और रेजिस्टर के अक्रॉस 12 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया गया है यहां से यहां। सो वीएल, तो अगर फेजर डायग्राम आप बनाओगे तो वी आर ये हो गया वीएल और ये हो गया आई, इन दोनों वीएल और वीआर का रिजल्टेंट होगा वी नेट इधर होगा और ये वी नेट की वैल्यू और करंट के बीच में, यानी वी नेट ही अप्लाइड वोल्टेज है। तो पाइथागोरस ये भी वीएल होगा, पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में लगा दें, ये 90 डिग्री हो गया, तो क्या होगा वी नेट का स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमको वीएल के अक्रॉस जो है वोल्टेज है वो निकालनी है, तो आपको वीएल निकालना है, तो वीएल स्क्वायर इक्वल टू वी नेट का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। सो वीएल इज इक्वल टू अंडर रूट में वी नेट का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। वी नेट ही अप्लाइड वोल्टेज है, ये ही आपका वी नेट है 20 वोल्ट, तो 20 का स्क्वायर माइनस वी आर की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट, 12 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये हो गया 400 माइनस 144, ठीक है वीएल, तो 400 माइनस 144 कितना होगा, वीएल इज इक्वल टू 256, ये अंडर रूट में होगा। 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, आई थिंक 16 का होता है वीएल वोल्ट, 16 वोल्ट हो गया वीएल की वैल्यू, ए वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।